सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो, यानी आप अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को कैसे छिपा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, बोला था कि हम अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को कैसे हाइड करें, कैसे छिपाएँ। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी सारे लोग एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, लेकिन आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अब इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ट्रिक यूज करना है। और दोस्तों, आप एक ट्रिक यूज करके अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से हाइड कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज करते हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस। आपको सिर्फ एक ट्रिक यूज करना है और दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से अपने एंड्रॉयड फ़ोन के एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप रियलमी का फ़ोन यूज करते हो तो दोस्तों, आप अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को डायलर में भी हाइड कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फ़ोन यूज करते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फ़ोन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने फोन के एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। ठीक है, ये जो मेरा फोन, ये रियलमी का फोन है और ये रेडमी का फोन है, तो इन दोनों फोन के एप्लीकेशन को हाइड करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रियलमी के फोन में करके दिखाता हूं हाइड। आपको सिंपली सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हाइड ऐप्स, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, इसके बाद आपको सेटिंग्स पर टैप करना है। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर भी आप टैप कर सकते हो। आपको यहाँ पर पैटर्न मिलेगा, 4 डिजिट पासवर्ड मिलेगा, 4 to 16 डिजिट पासवर्ड मिलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सेट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पासवर्ड डाल देते हैं, आपको पासवर्ड को इस तरह कंफर्म करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। अगर आप इन फ्यूचर कभी पासवर्ड भूल जाओ तो दोस्तों, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से अपने पासवर्ड को रिकवर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको आंसर डाल देना है, ओके पर टैप करना है। ओके, अब दोस्तों, आप यहां से अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। आपके फ़ोन के सभी एप्लीकेशन आपको यहां पर शो हो जाएंगे। सिंपली आपको यहां से उन एप्लीकेशन को इनेबल कर देना है जिनको आप हाइड करना चाहते हो। ओके, आपको इस तरह एप्लीकेशन को हाइड करना है। तो व्हाट्सएप को हमने इनेबल कर दिया है। ठीक है, हमने व्हाट्सएप को इनेबल कर दिया है, इंस्टाग्राम को इनेबल कर दिया है। ओके, तो दोस्तों, आपको इस तरह अपने एप्लीकेशन को हाइड करना है। इसके बाद आपको एक एक्सेस कोड सेट करना है, आपको 2 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर टैप करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज एक्सेस कोड, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का एक एक्सेस कोड यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में हैज लगाना है, फिर आपको डिजिट डालना है, फिर हैज। ठीक है, आपको इस तरह एक्सेस कोड सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सेस कोड सेट कर दिया है, आपको ओके पर टैप करना है। ओके, अब आपको 4 सेकंड वेट करना होगा, डन पर टैप करना है। तो दोस्तों, हमारे फ़ोन से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हाइड हो चुके हैं। मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो नहीं होगा। अब बात आती है कि कैसे हम अपने हाइड एप्लीकेशन को देखेंगे, कैसे यूज करेंगे। सिंपली आपको जाना है डायलर में। डायलर में जाने के बाद आपको अपना एक्सेस कोड यहां पर टाइप करना है। ठीक है, आपके हिडन एप्लीकेशन यहां पर शो हो जाएंगे। इस तरह गाइस, आप रियलमी के एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए मैं आपको रेडमी के फोन बताता हूं कि कैसे आप रेडमी फोन के एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। ओके, तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है। ये जो मेरा फ़ोन, ये रेडमी का फ़ोन है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स, आपको इस पर टैप करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप लॉक, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है, इसको टर्न ऑन करना है। यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। ठीक है,
आप यहाँ पर पैटर्न सेट कर सकते हो, पिन डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो। ओके, इसको आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हो। आपको पैटर्न डालना है और उसको कन्फर्म करना है, नेक्स्ट पर टैप करना है। ठीक है, आपको इसको नॉट नाउ कर देना है, 4 सेकेंड वेट करना है, नॉट नाउ कर देना है। आपके फ़ोन के एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम अनटिक करते हैं। यूज ऐप लॉक पर टैप करना है, कैंसल। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर 2 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ से एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो और हाइड कर सकते हो। आपको हिडन ऐप्स वाले सेक्शन पर टैप करना है। ओके, अब आप यहाँ से उन एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो जिनको आप छिपाना चाहते हो। ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप को हाइड कर देते हैं। ठीक है, आप इस तरह व्हाट्सएप को इनेबल कर सकते हो। और मान लो कि हमें और भी एप्लीकेशन हाइड करने हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया। इस तरह आपको इनको इनेबल कर देना है। ठीक है, अब आप देखोगे तो हमारे जो एप्लीकेशन है वो हाइड हो चुके हैं। व्हाट्सएप हाइड हो चुका है, इंस्टाग्राम हाइड हो चुका है। दोस्तों अब बात आती है कि कैसे हम रेडमी फ़ोन के हिडन एप्लीकेशन को देखेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो सिंपली आपको कुछ इस तरह करना है। ठीक है, होम स्क्रीन पर आपको इस तरह करना है। इसके बाद आपको अपना पैटर्न डालना है। ठीक है, तो दोस्तों आपके हिडन एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ से अपने हिडन एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दोस्तों इस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन के ऐप्स को हाइड कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज करते हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस। आपको हाइड ऐप्स का फीचर सेटिंग्स में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।